सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जांगिद और आज हम आए एक नई सर्जरी के साथ में। और सर्जरी है, इसका नाम है CBS सिस्ट रिमूवल। सो इस सिस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है और कहां पे होता है और क्या इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किसका सर्जरी है। आप यू कैन सी ओवर हियर, ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी। ओके, अगर मैं कहूँ सो यू कैन सी टाइनी ओपनिंग इज देयर। अगर इसको मैं करूँ तो यू कैन सी फील, ओके यू कैन फील इट कि हल्की सी एक गांठ है यहाँ पर एंड एक छोटी सी ओपनिंग होती है इसके ऊपर। बेसिकली एक तरह का कह सकते हैं कि ऑयल ग्लैंड होती है और ये स्किन के डीप लेयर में होती है। सो क्या होती है CBC सिस्ट? देखिए, हमारी स्किन के ऊपर काफ़ी सारी ऑयल ग्लैंड्स होती है और मोस्टली जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो स्किन के अपर लेयर में आके अपना जो सीबम है उसको सिक्रेट करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो सीबम होता है, सीबम मतलब जो ऑयल फॉर्मेशन, वो स्किन के बाहर नहीं निकल के अंदर की ओर कलेक्ट होता जाता है। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें देख पा रहे हो कि ये जो है ऑयल वो स्किन के अंदर कलेक्ट हो रहा है। वो कलेक्ट होने के बाद में कह सकते हैं कि ये है, ये एक हल्का सा सिस्ट का फॉर्मेशन ले लेती है। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है, सिस्ट एक तरह का एक टफ कैप्सूल होता है, उसके अंदर ही सीबम होता है। ओके, सो कैप्सूल प्लस सीबम, ठीक है, इससे दोनों बना के आपका सिस्ट बनाती है, राइट। ये क्यों होती है? ठीक है, कभी कभार स्किन में कुछ ऑक्लूजन हो जाता है या फिर आपका स्किन में ज़्यादा ऑयल फॉर्मेशन होता है तो वो एक आपका रीजन बन सकता है। किस साइड पे होती है, कौन कौन सी जगह पे होती है? मोस्टली आपके अपर हाफ बॉडी पे होती है, जैसे कि चेस्ट, अपर बैक एरिया या फिर आर्म्स या फिर स्कॉल्प पे हो सकती है, कभी कभी फेस पे भी हो सकती है। आप देख पा रहे हो ये जो सिस्ट है बेसिकली वो फेस पे हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज, डॉक्टर शुड आई रिमूव और नॉट? देखिए, सिस्ट बेसिकली अगर आप रिमूव करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समय के साथ में इसमें ऑयल का प्रोडक्शन होता रहेगा और ये आपकी साइज बड़ी होती जाएगी। अगर आपने समय पे इसको रिमूव नहीं कराया, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं इन्फेक्टेड CBC सिस्ट। और इन्फेक्टेड CBC सिस्ट एक तरह का कह सकते हैं कि डर्मेटोलॉजिकल इमरजेंसी होता है, जहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फेक्शन के साथ साथ में जो नियर बाई टिश्यू होता है उसको भी कह सकते हैं कि वो रेड या इन्फ्लाम कर देती है। उसकी वजह से अच्छा खासा पेन होता है और कह सकते हैं कि उस एरिया को फिर है ना कम्प्लीटली उस एरिया को जहाँ पे ज़्यादा सीबम बना हुआ है या पस बना हुआ है उस कम्प्लीट एरिया को रिमूव करना पड़ता है। तो वो स्टेज आपके नहीं आए तो हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखिए। काफ़ी बार इसमें ऐसा होता है कि आपका जो है सीबम बनता है, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो वो निकल जाता है, लेकिन उसका वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं माना जाएगा। परमानेंट ट्रीटमेंट कब माना जाएगा? जब उसको हम सिस्ट को कम्प्लीटली रिमूव करेंगे कैप्सूल के साथ में। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का कैप्सूल होता है और कैसे हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ में। ओके, यू कैन सी दिस इज अ सेक बेसिकली, और इसी के अंदर आपका सीबम होता है एंड ये जो मटेरियल है हल्का सा, दिस इज कॉल्ड सीबम और ये काफ़ी स्मेली सीबम होता है। ओके, सो सिस्ट को कंप्लीट रिमूव होने के लिए ये जो सेक है इसका रिमूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं निकलता है तो ये मान के चलिए कि आपका सिस्ट फिर से बनने के पूरे चांसेज है, ऑलमोस्ट 100%, राइट। सो दिस इज द सक्सेसफुल रिमूवल ऑफ द सिस्ट और यू कैन सी दिस एरिया इज ऑलमोस्ट एम्प्टी and now we are going to be suture it. So okay friends, we have finished the surgery and you can see over here on the back nice big sutures are there, but they will not going to cause मोर स्कारिंग ऑन दैट एरिया। ओके, एंड समय के साथ में स्कार हील हो जाएंगे। दिस सुचर्स वी कैन रिमूव आफ्टर 7 डेज। सो सिंस वी रिमूव द सिस्ट
विद अ कैप्सूल, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक एंड होपफुली इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आपके भी कोई सिस्ट है तो डेफिनेटली उसको अर्ली स्टेज में रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सो यू विल हैव लेस पेन, लेस स्कारिंग, ईजिली रिमूव कर देंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए जरूर एंड गेट इट डन टूडे। एनी क्वेश्चन अबाउट द सीबीएसई सिस्ट यू कैन आस्क मी ओवर हियर, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।